छोटी कटोरी मैंने ये घी ले लिया है और 2-3 चम्मच ये दूध ले लिया है। चलिए तो अब हम बनाते हैं मोहन भोग। मोहन भोग बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये बेसन मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक थाली ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मोहन भोग मोहन थाल बनाने के लिए ये हम ये बेसन ले लेंगे और बेसन में हम घी और दूध ऐड करेंगे। उसके लिए हम ये जो दूध है इसमें हम घी मिलाएंगे। ये देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये 3 चम्मच। बाकी का घी हम बचाएंगे तो बाद में डालेंगे जब ये बेसन सेंकेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जरा सा, ताकि ये सिर्फ घी पिघल जाए, बस उतना ही गर्म करना है जितने में ये घी पिघल जाए। देखिए, ये घी पिघलाना है और घी पिघलाने के बाद हम इसमें ये बेसन में मिलाएंगे। चाशनी हमें लगभग 1 तार की चाशनी करनी है, ठीक है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं। तो अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ये मैंने चीनी डाल ली है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये 1 गिलास पानी है तो हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसकी 1 तार की हम चाशनी बनाएंगे। ये मैंने चाशनी तैयार कर ली है। देखिए, चाशनी तैयार हो गई है 3 मिनट में। देखिए, इसको हम जरा सा ऐसे करके देख लेंगे। देखिए देखिए, 1 तार की चाशनी हो गई है तैयार, दिख रही है ना। अब हम ये जो बेसन है इसको चलनी से चालेंगे। देखिए, ये मैंने कढ़ाई ले ली है। अब ये जो बेसन है ना हो, देखिए इस तरह से इसे डाल लेंगे सारा, फिर हम इसे चाल लेंगे ताकि इसका रबा रबा निकल आए और सारे लम्स बिखर जाए इसके। बहुत ही अच्छी बनती है ये, बहुत ही, ये समझ लीजिए कि मोहन भोग जिसे कहते हैं, ये मोहन भोग गुजरात में से मोहन थाल कहा जाता है, लेकिन अपने आप ऐसे कहते हैं मोहन भोग। अब हम इसे चाल लेंगे। देखिए उस तरह से, देखिए कितना अच्छा रवा निकल रहा है। ये हम सारा
को धीमे आंच पर सेकना है। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरह से चलाएंगे धीमी आंच पर। और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मावा डाल देंगे और गाढ़ा होने तक इसे चलाएंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं ताकि इसमें ऊपर से डेकोरेट कर सके, ऊपर से डाल सके। अब हम इसमें ये जो बचाया था आधा घी ये डाल देंगे। देखिए 2 चम्मच घी डाल देंगे इसमें और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए घी छोड़ने लगे तो समझ लो कि ये जमने के लायक हो गया है। अब ये जमने की तैयारी में है। अब हम एक थाली लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम देखिए घी लगा लेंगे एक थाली में। थाली में घी लगाने के बाद हम इसमें ये बैटर फैला देंगे और ऊपर से ये ड्राई फ्रूट्स गार्निश करेंगे। देखिए ये मैंने लगा लिया है। अब हम इसमें ये जो मोहनथाल तैयार हो गया है इसे फैलाएंगे। थाली में प्लेट से उतार लेते हैं। अब हम इसे इसमें डालेंगे। देखिए पूरा आधा घंटा इसको हम रखने के बाद इसके पीसेस काट के और फिर से रख देंगे ताकि आसानी से इसके पीसेस निकल सके। आधा घंटा ठंडा होने के बाद चाकू से इसके पीस के पीस काट के निकालेंगे नहीं, सिर्फ पीस करके रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चम्मच से लेकर इसको ऐसे निकाल के अच्छे से फैला देंगे थाली में। देखिए इस तरह से मोहन थाल, ये गुजराती रेसिपी है जो गुजरात में कृष्ण जी को प्रसाद में लगाई जाती है। हमारे यहाँ पे इसे बोलते हैं मोहन भोग। अब हम देखिए घी लगा के इसे अच्छे से इसे वो कर देंगे और थाली से हिला के इसको थोड़ा ऐसे फैला देंगे इसे। देखिए इस तरह से फैलाएंगे इसे, घी लगाते जाएंगे और फैला देंगे।
इसके पीसेस काट कर वैसे जमने के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। एक घंटे बाद फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मोहनथाल बन के तैयार हो गया है। देखिए मैंने पीसेस काट के रख दिए थे, मैंने निकाल लेते हैं। आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बना के जरूर देखिएगा।